दोस्तों आपका फिर से स्वागत है और बहुत सारे नोटिफिकेशन और भी हैं आगे, तो आप वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए। और सारे वीडियो आने वाले हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो फार्मास्यूटिकल में वैकेंसी, यहाँ प्रोडक्शन हेड, बीएससी, एमएससी, बी फार्मा, एम फार्मा मांगा, 9+ ईयर एक्सपीरियंस, सीनियर प्रोडक्शन सुपरवाइजर, प्रोडक्शन शिफ्ट इंचार्ज, बीएससी, एमएससी, बी फार्मा और एम फार्मा, 6+ ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, वो रिलेटिव चाहिए। देखो यहाँ बता दिया गया है, जूनियर प्रोडक्शन सुपरवाइजर, एम एस सी, बी फार्मा, एम फार्मा, ये मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो होना चाहिए रिलेटिव। नेक्स्ट बात करूँ ऑपरेटर्स, यहाँ पे बताया गया आईटी चाहिए, यहाँ पे 12वीं पास भी चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों एग्जीक्यूटिव एचआर के लिए, MHRM, MBA, MSW, 6+ ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों रिसेप्शनिस्ट कम एडमिन ऑफ असिस्टेंट, तो ग्रेजुएशन मांगा, फीमेल, एज बिलो 25 ईयर, प्लस टू प्लस ईयर एक्सपीरियंस। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नीचे दी हुई मेल आईडी पे अपना सीवी मेल कर सकते हैं, hr@elysiumpharma.com। कॉन्टैक्ट नंबर है 8155003878। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्शन केमिस्ट, क्यूसी केमिस्ट, RAQA केमिस्ट, पैकिंग सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, MBA, BBA मार्केटिंग है, इंग्लिश मीडियम, बी फार्मा, एम फार्मा, BSc, MSc को प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेशर कैंडिडेट को भी यहाँ पे दिया जाएगा। ये वॉकिंग इंटरव्यू का टाइम शेड्यूल बताया गया है यहाँ पे दोस्तों, पूरा चीज़ बता दिया गया है, एड्रेस भी बता दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस मेल आईडी पे अपना सीवी मेल कर सकते हैं, hrd@vestcoastiotin.com। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोडक्शन में वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों, 2 से 5 ईयर एक्सपीरियंस, बीएससी, एमएससी क्वालिफिकेशन बताया, क्यूसी के लिए वैकेंसी यहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों 7 से 10 ईयर एक्सपीरियंस, बीएससी, यहाँ पे एमएससी, और यहाँ पे दोस्तों फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, 0 से 3 ईयर एक्सपीरियंस है, 2018-19-20 के पास आउट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बीएससी। दोस्तों यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है और इनका टाइम शेड्यूल दिया हुआ, आप देख पा रहे होंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपना सीवी मेल कर सकते हैं, hr@dasamilab.com। कॉन्टैक्ट करके ही जाएं, कॉन्टैक्ट नंबर पर 9100037271। बात आती है यहाँ पर जाओगे तो भैया क्या क्या लेके जाओगे, तो यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम, प्रेजेंट टाइम, जो भी अपॉइंटमेंट लेटर है, 3 मंथ का पहली स्लिप पे स्लिप है, और क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, और कंपनी का जो भी एक्सपीरियंस लेटर है उसका सबका जीरोक्स करा के जरूर लेके जाना है। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो यहाँ पे बताया गया है, नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना आपसे रिलेटिव है, तो इस लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 25/6/2020, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं अगर आपसे रिलेटिव है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखो यहाँ पे, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, अकाउंटेंट, स्टोर, आपसे रिलेटिव है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन मैच कर रही है तो कर सकते हैं। यहाँ पे मेल आईडी है cari@calaciesho.com। यहाँ पे अप्लाई कर दें, आगे भी वैकेंसी आएगी तो आपके बुलाएंगे। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस, केमिस्ट, कमिश्निंग टेक्नीशियंस, बीएससी, एमएससी, 3 से 4 ईयर एक्सपीरियंस। और यहाँ पर दोस्तों मेल आईडी दी है जिस पर आपको अपना सीवी फॉरवर्ड करना है। मेल आईडी कुछ इस तरीके से cares@dasstar.co.in। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे भी है कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर्स के लिए, बीई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, डिप्लोमा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, एज लिमिट दी है 25 से 35, 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस। और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए मेल आईडी दी है जिस पर आपको मेल करना है अपना सीवी, sales@aasociated.com। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरह चलते। तो दोस्तों यहाँ पे भी वैकेंसी है, यहाँ पर देख रहे होगे लास्ट डेट है दोस्तों 30 जून 2020। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन, बीई, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे पूरा बता दिया कि आपको एक्सपीरियंस 2 साल का किससे रिलेटिव होना चाहिए। तो यहाँ मेल आईडी है CARER@MATRIXHRSERVICES.com, इस पर आपको अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो जूनियर इंजीनियर फैक्ट्री प्रोडक्शन प्रोसेस CTC आपको बता दिया गया, लोकेशन भी बता दी गई है, क्वालिफिकेशन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा EC इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल CE CSE मैकेनिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स 18+ ईयर एज। और यहाँ पर मेल आईडी कुछ इस तरीके से TALENT_HR@VVDNTECH.IN, ठीक है, इस पर जाके आपको अप्लाई कर देना। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते। तो दोस्तों देखो यहाँ पर भी वैकेंसी है, मैं देखो थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो राष्ट्रीय कृषि आयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो, तो यहाँ पर आपसे रिलेटिव है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। जैसे MSc कंप्यूटर साइंस MBA BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, MSc फील्ड दिए हुए हैं सभी के, ठीक है। तो मैं क्या है कि इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे रिलेटिव है कोई भी तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको तरीका भी बता दूंगा, साथ ही साथ आप इस नोटिफिकेशन को कैसे पा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस इंटरव्यू कैंडिडेट जहाँ पे होगा इंटरव्यू, तो आपको अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई के प्रोसेस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपको जाना पड़ेगा www.nbaim.org.in, ठीक है, इस पोर्टल पर जाके आप अपना सारा कुछ डिटेल्स पा सकते हो इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। आप तो दोस्तों आप देख रहे हो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और यहाँ पर दिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है दिया हुआ लोकेशन। यहाँ पे जो लास्ट डेट है 20 जून 2020 आपको बता दी गई है, आपको कैसे अप्लाई करना है पूरी चीज़ आपको देखो यहाँ पर किस डिपार्टमेंट में पोजीशंस निकली हुई हैं तो आपको ऐसे ऐसे पूरा बता दिया गया है, ठीक है। गेट स्कोर सब काउंट किया जाएगा और ये एप्लीकेशन रहेगा, ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके इसे नोटिफिकेशन को पा सकते हो। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर IIT दिल्ली लोकेशन दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लास्ट डेट बता दी गई है ऑलरेडी, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा, तो लास्ट डेट है 15/6/2020, ठीक है, बाई मेल जो भी है आप यहाँ पर अप्लाई कर, BTech गेट विद गेट क्वालिफ, ठीक है, यहाँ MSc तो MCA ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके इसे नोटिफिकेशन को पा सकते हो। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, ये जानकारी दी जा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे भी देख रहे होगे आप ICAR में वैकेंसी है, आपको बता दी गई है पूरा प्रोसेस आप पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, MSc हैं, ये क्वालिफिकेशंस बताई गई, रिलेटिव्स जो भी रिलेटिव हैं, और आपका पूरा प्रोसेस बता दिया है कि क्या क्या शेड्यूल रहेगा, देख लो आप टाइम डेट इंटरव्यू देखो पूरा शेड्यूल बता दिया गया, ठीक है, और एज लिमिट भी बता दी गई है, ठीक है, टर्म्स कंडीशंस बता दी गई हैं यहाँ पर पूरी कैसे अप्लाई करना है, इन्हें पढ़ लें अपने आराम से इस वीडियो को पोस्ट करके। और आपको डिटेल में चाहिए तो आप देखो यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को पा सकते हो, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और इसे ले लो। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ता हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा। तो दोस्तों नेक्स्ट है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, इस नोटिफिकेशन के बारे में मैंने पहले बताया नहीं था तो मैं बता देता हूँ। असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है वहाँ पर, जो BSc केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 60% के साथ हैं, डिप्लोमा केमिकल 60% के साथ हैं, MSc किए हुए BSc किए हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर, ठीक है। और प्रेफरेंस दिया जाएगा BSc डिप्लोमा केमिकल वालों के लिए और AOCP वालों के लिए, ठीक है, हम बता दिया है अप टू 2 ईयर एक्सपीरियंस इन केमिकल इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल, ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया। और यहाँ पर पूरा बता दिया गया फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट बैच पास आउट 2020 है स्कोर मिनिमम 60% आल्सो, तो वो वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रोल आपका बताया गया यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप अप्लाई कैसे कर पाओगे, कैसे पहुँचोगे उस लिंक तक, ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप बने रहिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले गूगल पर जाके सर्च करें GSFC, यहाँ पे आपको इस तरह करंट ओपनिंग्स आ जाएगा, इसे प्रेस कर दीजिए। जैसे आप प्रेस करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा इस तरीके का, यहाँ अप्लाई लिखा है, अप्लाई को प्रेस कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई को प्रेस करोगे यहाँ पर आ जाएगा देखो असिस्टेंट ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्री बिजनेस के लिए भी दिया हुआ है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, GSFC एग्रोटेक के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं। 15/6/2020 लास्ट डेट है, मतलब ये आपके पास है। ये दोस्तों आप नोटिफिकेशन 27/5/2020 से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर भरपा हो गया बिजली, और ये 7/6/2020 तक चलेगा, तो अभी टाइम है।
तो दोस्तों अलर्ट रहिए, मैं जैसे